जय साथियों, कैसे हो आप? से मैं स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपेक्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2020 के बारे में। इसमें दोस्तों आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए दोस्तों, इसमें आपको रनने के लिए वहाँ पे कितना टाइम दिया जाता है, और फ्रेंड्स अभी 2020 में क्या क्या बदलाव हुए हैं। कई फ्रेंड्स के डाउट थे कि सर आपकी बार क्या क्या टाइमिंग रहेगी, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कई फ्रेंड्स का डाउट था सर इसमें क्वालिफिकेशन चेंज हो गई है, तो दोस्तों हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। और कई फ्रेंड्स का डाउट ये भी था कि सर हमारी हाइट बहुत कम है, क्या हम आर्मी में जा सकते हैं? हाँ जी दोस्तों, आप जा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों कैसे जाना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, हम सारे डिस्कस वीडियो में दोस्तों करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स मैं जस्ट में ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ऊपर देखिए टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2020, जिसको हम दोस्तों टीए भर्ती बोल देते हैं। आपको पता ही टीए भर्ती के बारे में, काफी अच्छी जॉब होती है ये, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है भाई, मेहनत आपको बहुत करनी पड़ती है। इसमें कहते हैं ना भाई कि बिल्कुल पसीने से नहाना पड़ता है तब आपको ये जॉब मिलती है भाई। ठीक है, ऐसी जॉब नहीं मिलती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कहते हैं ना भाई, हौसले बुलंद रखो, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, सब आसान होता है। ठीक है, फ्रेंड्स बात करते आपके हाइट के बारे में। कई फ्रेंड्स का डाउट था कि सर इसमें हमारी हाइट अब चेंज कर दी गई है, 170 सेंटीमीटर कर दी गई है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही सब सेम है। ठीक है, आप टेंशन ना ले किसी बात की, बहकावे मत आइए। मैंने कल एक टेलीग्राम पे देखा कि इसमें बता रखा था कि 2020 में हुए बहुत बड़े बदलाव, कि 170 सेंटीमीटर समथिंग हाइट बता रखी थी टीए वालों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, बहकावे में किसी के मत आइए भाई। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ किसी के बहकावे में मत आइए, वो सिर्फ आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते आपका, ओनली आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों। आपको डीमोटिवेट नहीं होना भाई, आपको आर्मी में लगना है, मेहनत करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपकी हाइट के बारे में बात करें दोस्तों, आपकी जो हाइट मांगी जाती है दोस्तों टीए में 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है, 160 सेंटीमीटर दोस्तों आपकी हाइट होनी चाहिए। कि फ्रेंड्स का डाउट रहता है सर हमारी हाइट बहुत कम है, हम कैसे जाए, हमारी 170 सेंटीमीटर से कम है। तो फ्रेंड्स आप टीए आर्मी भर्ती ज्वाइन कर सकते हो, आप इस भर्ती में आराम से जा सकते हो। ठीक है, और फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में दोस्तों। आपकी चेस्ट जो इसमें मांगी जाती है दोस्तों 77 से 82 मांगी जाती है, इसमें 77 बिना फुलाए 82 फुला के। ठीक है, देखिए आपकी 76 भी होना भाई तब भी चल जाएगी, टेंशन ना ले किसी बात की। लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, आपको प्रॉब्लम होती है फुलाव में, आपका फुलाव भाई 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। आपकी चेस्ट अगर 76 सेंटीमीटर भी है ना, आप तब भी वहां पे क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन आपका फुलाव 5 सेंटीमीटर भाई होना चाहिए। अगर आप देखिए, अगर मान के चलो आपकी 76 है, ठीक है 76 चेस्ट है आपकी, अगर आप 82 अगर आप 6 सेंटीमीटर का फुलाव कर देते हो फ्रेंड्स, तो आपको वहां पे पास कर दिया जाएगा। ठीक है, आप टेंशन ना लें इस बात की, लेकिन आपका फुलाव भाई होना चाहिए इसमें, ये आपको बात सोचने वाली बात है। ठीक है, और फ्रेंड्स बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, आपकी दोस्तों क्वालिफिकेशन इसमें क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों अभी देखिए क्वालिफिकेशन 10th पास विद 33% मार्क्स ऑल सब्जेक्ट्स। देखिए दोस्तों आपके पास 10th पास होने चाहिए। ठीक है, आपके पास 33% मार्क्स, मतलब आपके दोस्तों हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर होने अनिवार्य हैं। अगर आपके दोस्तों किसी सब्जेक्ट में 32 नंबर हैं, तो दोस्तों आप इस भर्ती में नहीं जा सकते। ठीक है, और दोस्तों टोटल अराउंड बात करें आपकी 45% 10th क्लास में, 10th की जो मार्कशीट होती है आपकी फ्रेंड्स, आपके 10th में आपके 45% नंबर होने चाहिए, और फ्रेंड्स ऑल सब्जेक्ट में आपके 33% नंबर होने अनिवार्य हैं, तो ही आप टीए भर्ती में जा सकते हो। ठीक है, और किसी स्टूडेंट का डाउट था कि सर हमने प्लस टू पास कर रखी है, क्या हम आर्मी में जा सकते हैं इसमें, और हमारे नंबर कम है। मतलब एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर हमारी प्लस टू पास है, लेकिन हमारे 45% नंबर नहीं, हमारे 44% नंबर है, और हमारे सब्जेक्ट में या मतलब हर सब्जेक्ट हमारे 32 नंबर है, 31 नंबर है, ऐसा समथिंग है कुछ है। ठीक है, तो उनके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, आप भर्ती में जा सकते हो। क्या सुना आपने कि आप भर्ती में जा सकते हो दोस्तों, अगर आपने प्लस टू पास हो, आपके पास दोस्तों 10th में आपके पास 45% नंबर नहीं भी है ना भाई, तो भी आप टीए भर्ती में जा सकते हो, वहां पे आप रेस कर सकते हो, इस भर्ती में आप ज्वाइन हो सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, किसी के बहकावे में मत आइए, आपको सब डीमोटिवेट करते हैं भाई। एक अच्छे वीडियो देखिए यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोज होती है। ठीक है, अच्छा चैनल ज्वाइन कीजिए, ये नहीं किसी के बहकावे में आके अपनी तैयारी खत्म कर दो, ऐसा मत करो यार प्लीज। ठीक है, और मैं तो सबसे कहना चाहूंगा भाई, देखो अगर आप YouTube चैनल बना रहे हो भाई, तो सबको एक अच्छी अच्छी बात बताओ, सबको मोटिवेशन करो, ना कि डीमोटिवेट करो। ठीक है, और फ्रेंड्स अब बात करते हैं रनिंग टाइम के बारे में। कई फ्रेंड्स का डाउट रहता है कि हमारा रनिंग टाइम इसमें कितना मांगा जाता है, हमारी टाइमिंग बहुत कम है, ज्यादा है। तो दोस्तों देखिए, आपकी कम हो या ज्यादा हो भाई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस ये है कि वो 100 समथिंग बच्चे
एक सात राउंड में दौड़ाते हैं, ठीक है, उनमें से अगले दो या तीन समथिंग बच्चे पकड़ते हैं, ठीक है। ये नहीं कि 10 ले लिए, 4 ले लिए, नहीं, 2 या 3 मुश्किल से। अगर आपकी अच्छी किस्मत है तो 4 भी ले सकते हैं, ये नहीं कि आपको तीनों तीन ही लेने, नहीं, अगर आपकी अच्छी किस्मत है तो भाई 4 5 भी समथिंग ले लेते हैं वो। लेकिन आपकी टाइमिंग की बात करें दोस्तों, आपकी जो टाइमिंग है इसमें 4:55 से 5 मिनट के बीच में आपकी टाइमिंग रेस की होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, आपकी टाइमिंग कितनी है आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपकी 5 मतलब कि 1600 मीटर की आपकी जो रेस की टाइमिंग है वो कितनी है, आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, मान के चलो अगर आपकी 2:04:50 की तैयारी, 4:50 की अगर आपकी तैयारी है, 4:50 सेकंड की आपकी तैयारी है फ्रेंड्स, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं तो आपसे ये कहता हूँ दोस्तों, आप 4:55 से भी नीचे तैयारी लेके आए, 4:55 से नीचे तैयारी लेके आए, ठीक है, अगर आप टीए की भर्ती की तैयारी करते हो फ्रेंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप दोस्तों टीए की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स आप 5 से नीचे तो आपको आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी 5 से ऊपर आप भर्ती में मत जाइए, मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर आपकी 5 मिनट की तैयारी है तो आप भर्ती में मत जाइए। लेकिन ये नहीं कि आपकी मतलब इसमें रेस नहीं होगी क्लियर, कुछ से कर जाते हैं क्लियर, मैं ये नहीं कहता कि नहीं 5 मिनट वाले नहीं करते, लेकिन जब चांस में आप मान के चलो जिनकी 5 मिनट से नीचे तैयारी भाई, जब 4:55 4:50 उनका 100% इसमें सिलेक्शन होता ही है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, आपके ये डाउट थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं दोस्तों। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगे, कुछ भी आपको बात पूछनी हो किसी भर्ती के बारे में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा दोस्तों। चैनल भाई आपका है, ये चैनल भाई आपका है, आपको चलाना है, ठीक है। तो प्लीज गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भाई आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज गाइस, नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कीजिए, ताकि जो अगले नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बिना बेल बटन जरूर ऑन कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।